नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। फिल्में यूं तो मूल रूप से मनोरंजन का साधन होती हैं, पर कई बार ये समाज को प्रेरित भी करती हैं, इतिहास के सुनहरे पन्नों से रूबरू भी करवाती हैं और देश के हालातों से वाकिफ भी। देशभक्ति फिल्मों की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। इनमें से कई फिल्में किसी ऐतिहासिक व्यक्ति अथवा ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती हैं। ये फिल्में हमें हमारे वीर क्रांतिकारियों के बलिदान के सम्मान में सर झुकाने की प्रेरणा देती हैं, उनका अनुसरण करने को अलख जगाती हैं और हमें अपने देश अपने समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व समझाती हैं। इन्हीं फिल्मों की कड़ी में एक उल्लेखनीय नाम है सन 1965 की फिल्म शहीद का, जो न सिर्फ अपनी प्रेरणादायी कहानी, सशक्त अभिनय और हृदय को झकझोर देने वाले गीतों के लिए एक अविस्मरणीय फिल्म समझी जाती है, बल्कि ये हमें हमारे इतिहास के उस महत्वपूर्ण पड़ाव से भी वाकिफ करवाती है जिसके बिना शायद हमारा वर्तमान और भविष्य कुछ और ही होता। इतिहास का वो महत्वपूर्ण पड़ाव है भगत सिंह और उनके सहक्रांतिकारियों की शहादत का, और इसी पर आधारित है फिल्म शहीद। केपीके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था केवल पी कश्यप ने और इसका निर्देशन किया था एस राम शर्मा ने। इस फिल्म के अलावा एस राम शर्मा ने सन 1970 की फिल्म यादगार का निर्माण एवं निर्देशन किया था। वहीं 1985 की फिल्म सागर और 1986 की फिल्म जाबाज के साथ बतौर पब्लिसिटी ऑफिसर भी जुड़े रहे। फिल्म शहीद की कहानी मनोज कुमार ने बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह की माँ विद्यावती और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर तैयार की थी तथा इसके संवाद और पटकथा लिखी थी दीनदयाल शर्मा ने। 2 घंटे 45 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था दिसंबर 1965 को। इस फिल्म के मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, प्राण, कामिनी कौशल, मनमोहन, इंद्राणी मुखर्जी, निरूपा रॉय, कमल कपूर, मदन पुरी, डीके सप्रू आदि। कई दिग्गज और नए कलाकारों से सजी हुई यह फिल्म न केवल समीक्षकों के द्वारा सराही गई, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी काफी सफल रही थी। लगभग 15 लाख के छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कारोबार की थी और विश्व भर में 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे। संगीतकार प्रेम धवन की कालजयी धुनों से सजे हुए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे प्रेम धवन, राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी ने। फिल्म के इन करणप्रिय गीतों में अपनी सुमधुर आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश, महेंद्र कपूर, राजेंद्र मेहता और लता मंगेशकर ने। फिल्म के सारे ही गाने उन दिनों के साथ साथ आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, वतन पे मरने वाले जिंदा रहेगा तेरा नाम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पगड़ी संभाल जट्टा, और फिल्म का 2 सबसे लोकप्रिय गीत थे ए वतन हमको तेरी कसम और मेरा रंग दे बसंती चोला। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म के निर्देशक के रूप में एस राम शर्मा का नाम आता है, पर 2014 में दिए अपने एक इंटरव्यू में मनोज कुमार साहब ने स्वीकार किया था कि फिल्म का निर्देशन वास्तव में उन्होंने खुद किया था, लेकिन जब निर्देशक का क्रेडिट लेने की बारी आई तो उन्हें यह लगा कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो बतौर अभिनेता उनके कैरियर पर भी असर पड़ सकता है। इस कारण फिल्म में मनोज कुमार ने अभिनेता की हैसियत से काम किया और फिल्म के शुरुआत में उन्हें प्रेजेंटर के रूप में ही क्रेडिट दिया गया है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के निर्माता केवल पी कश्यप फिल्म निर्माण में आने से पहले संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हुआ करते थे, पर कई सालों तक काम करने के बाद वो इस काम से उकता गए थे। एक दिन उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि मैं फिल्म का निर्माता बनना चाहता हूँ। जब मनोज कुमार साहब ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया तो केवल पी कश्यप ने उनसे कहा कि आपको इसकी कहानी भी लिखनी पड़ेगी और अभिनय भी करना पड़ेगा। मनोज कुमार पहले इस फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि उस समय उनकी ज्यादा फिल्में सफल नहीं हुई थी और उन्हें यह भी शक था कि वो अपने दम पर इतने गंभीर और यथार्थवादी फिल्म को सफल बना पाएंगे या फिर नहीं, और ये कहानी भी ऐसी थी जिसमें नायिका की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। पर वो इस विषय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह फिल्म अपने दम पर बनाने की ठान ली। फैक्ट नंबर 3, फिल्म की कहानी लिखने के लिए मनोज कुमार को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। वो जब भी शूटिंग से फारिग होते तो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी पहुंच जाते।
उन्होंने अपना काफी समय पंजाब के हिंदू कॉलेज की लाइब्रेरी में या फिर क्रांतिकारियों से मुलाकात करने में गुजारा था। ये बात अलग है कि फिल्म के क्रेडिट में उन्होंने कहानी लिखने का श्रेय खुद नहीं लिया, बल्कि इसका श्रेय भगत सिंह की माताजी विद्यावती जी को, भगत सिंह से जुड़े क्रांतिकारियों बटुकेश्वर दत्त और केवल पी कश्यप की रिसर्च टीम को दिया था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म की शूटिंग सन 1963 में शुरू हुई पर यह रिलीज हो पाई थी सन 1965 में, क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ही सीमित था और इसे बेहद ही सीमित संसाधनों के साथ शूट किया गया। कई बार फिल्म के लिए सेट लगाने की जगह असली लोकेशंस पर फिल्म को शूट किया गया। बताया जाता है कि फिल्म में लाइटिंग के खर्चे को बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट या फिर प्राकृतिक रोशनी में ही फिल्म को शूट किया गया। फैक्ट नंबर 5, शहीद वो पहली फिल्म बनी जिसकी शूटिंग संसद भवन में की गई। इसके अलावा फिल्म के कुछ दृश्य तुगलकाबाद किले पर भी फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाए गए जेल के दृश्यों को पंजाब के आईजी प्रिजन और लुधियाना मॉडर्न जेल में फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में एक बेहद ही विशेष भूमिका के लिए प्राण साहब को चुना गया था, जो उस समय तक जाने माने खलनायक और चरित्र अभिनेता हुआ करते थे, पर प्राण साहब बहुत अधिक मेहनताना लिया करते थे और इस फिल्म का बजट बहुत ही सीमित था। पर जब प्राण साहब को इस फिल्म की कहानी सुनाई गई तो वो इतने खुश हुए कि न सिर्फ उन्होंने पूरी फिल्म 1000 रुपए की पेशगी में पूरी की, बल्कि एक समय जब फिल्म की शूटिंग के लिए पैसों की कमी हुई तो प्राण साहब ने अपनी तरफ से 3 लाख रुपए इस फिल्म को पूरा करने के लिए दिया। यहाँ तक कि जब फिल्म की शूटिंग पंजाब में चल रही थी तो प्राण साहब की बहन ने पूरी कास्ट के खाने पीने का इंतजाम किया था। फैक्ट नंबर 7, ये वो पहली फिल्म थी जिसमें कामिनी कौशल ने मनोज कुमार की माँ का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद कामिनी कौशल मनोज कुमार के प्रोडक्शन की ज्यादातर फिल्मों में उनकी माँ के रूप में नजर आई। मसलन 1967 की उपकार, 1970 की पूरब और पश्चिम, 1972 की शोर आदि। फैक्ट नंबर 8, मनोज कुमार के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के बाद वो देशभक्ति फिल्मों के साथ जुड़ गए और उनके प्रोडक्शन के तले बनने वाली ज्यादातर फिल्में देशभक्ति विषयों पर आधारित रहीं। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक पत्रिका ने सन 1970 में छपी एक लेख में कहा था कि मनोज कुमार तो यूं अच्छे अभिनेता नहीं है, पर बतौर अभिनेता उन्होंने शहीद में बेहतरीन काम किया है। भगत सिंह की माँ विद्यावती जी भी मनोज कुमार के काम से काफी खुश हुई और उन्होंने कहा था कि मनोज कुमार के किरदार में भगत सिंह की झलक साफ साफ नजर आती है। 1965 वो साल था जिसने मनोज कुमार को इंडस्ट्री के प्रमुख अभिनेताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इस साल उन्होंने 3 बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी हिमालय की गोद में, गुमनाम और शहीद। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म को उस साल 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। ये पुरस्कार थे सर्वश्रेष्ठ कथा के लिए, जिसे उन्होंने फिल्म छोटी छोटी बातें से साझा किया, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इस पुरस्कार के साथ 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी जुड़ी हुई थी, जिसे भगत सिंह की माता जी को समर्पित कर दिया गया। मनोज कुमार के पिता भगत सिंह की माँ को इस समारोह के लिए दिल्ली लाए थे। जब वो मंच पर गई तो लगभग 15 मिनटों तक उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके पांव भी छू लिए थे। फैक्ट नंबर 10, फिल्म से जुड़े कलाकार बताते हैं कि फिल्म को वास्तविकता का शक्ल देने के लिए सभी कलाकारों ने मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया। इससे फिल्म के बजट को भी कम करने में सहायता मिली थी। पर फिल्म के आखिरी दृश्य में जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जाया जाता है और फांसी लगाई जाती है, उस दृश्य के लिए मेकअप का प्रयोग किया गया ताकि सभी क्रांतिकारियों के चेहरे पर चमक नजर आ सके। फैक्ट नंबर 11, मनोज कुमार बताते हैं कि उस समय फिल्म की सफलता में संगीत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था और कई फिल्में तो अपने संगीत के दम पर ही बिक जाया करती थी। बावजूद इसके फिल्म के लिए एक कम लोकप्रिय संगीतकार प्रेम धवन को चुना गया। उनका ये प्रयोग बिल्कुल ही सही साबित हुआ और फिल्म के गीत बेहद ही लोकप्रिय हुए, विशेष रूप से मेरा रंग दे बसंती चोला और ऐ वतन हमको तेरी कसम। इस फिल्म में मेरा रंग दे बसंती चोला गीत को प्रमुखता से जगह दी गई थी। इस गीत को रखने की प्रेरणा मनोज कुमार और गीतकार प्रेम धवन को तब मिली जब वे भगत सिंह के परिवार से मिले थे। प्रेम धवन ने मूल गीत में कुछ बदलाव करके इस गाने को नया आकार दिया। इस गाने के इतिहास पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर
12 फिल्म शहीद प्रेम चोपड़ा की कैरियर की आरंभिक फिल्मों में से एक थी। सन 1964 में इन्होंने मनोज कुमार की फिल्म वो कौन थी में खलनायक की छोटी सी पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1965 की फिल्म शहीद में पहली बार इन्हें एक सफल हिंदी फिल्म में महत्वपूर्ण चरित्र निभाने का अवसर मिला। इस फिल्म में राजगुरु का किरदार निभाया था अनंत मराठे ने, जो कि मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता माने जाते हैं और हिंदी फिल्मों में शहीद इनका सबसे यादगार फिल्म रहा। शहीद के बाद मनोज कुमार की प्रेम चोपड़ा के साथ कुछ ऐसी मित्रता हुई कि उनकी प्रोडक्शन की लगभग सभी फिल्मों में प्रेम चोपड़ा के लिए एक रोल रखा जाता था। मनोज कुमार ने प्राण साहब की तरह कई फिल्मों में प्रेम चोपड़ा को भी चरित्र और सकारात्मक भूमिकाएं देने का प्रयास किया, मसलन शहीद, क्लर्क आदि, पर उनकी पहचान खलनायक के रूप में अधिक सार्थक हुई। फैक्ट नंबर 13, मनोज कुमार फिल्म की रिलीज से पहले इसकी सफलता के प्रति आशंकित थे, क्योंकि उनसे पहले भी सन 1954 और 1963 में भगत सिंह के ऊपर फिल्में बन चुकी थी, पर दोनों ही फिल्में व्यवसायिक रूप से असफल रहीं। सन 1963 में भगत सिंह का किरदार शम्मी कपूर जी के द्वारा निभाया गया था, जो कि उस समय मनोज कुमार से बड़े स्टार थे। बावजूद इसके फिल्म असफल रही, पर उनकी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हुई और फिल्म व्यवसायिक रूप से खूब सफल रही। और यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि भगत सिंह के जीवन पर बनी ये हिंदी भाषा की सबसे सफल फिल्म है, या यूं कहे शहीद के अलावा भगत सिंह के जीवन पर बनी कोई भी फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रही। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म के रिलीज से पहले दिल्ली में एक विशेष स्क्रीनिंग रखी गई, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी निमंत्रण दिया गया। शास्त्री जी आने को तैयार हुए, पर उन्होंने ये भी कहा कि वो 10 मिनट से अधिक समय तक स्क्रीनिंग पर मौजूद नहीं रह पाएंगे। पर एक बार जब फिल्म शुरू हुई तो शास्त्री जी इतने मशगूल हो गए कि पूरी स्क्रीनिंग के दौरान वहीं बैठे रहे। मनोज कुमार ने फिल्म के ऑपरेटर को कहा कि वो इंटरवल के लिए स्क्रीनिंग को ना रोके। शास्त्री जी फिल्म से इतने खुश हुए कि उन्होंने फिल्म के पूरी कास्ट को प्रमाण पत्र भेंट किए। यही नहीं, उन्होंने मनोज कुमार से अपने नारे जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाने के लिए आग्रह किया। मनोज कुमार ने इस आग्रह पर उपकार फिल्म की रचना की। फैक्ट नंबर 15, प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग जब लुधियाना सेंट्रल जेल में चल रही थी तो मनोज कुमार ने कैदियों की भूमिका निभा रहे सभी अभिनेताओं को दाढ़ी न बनाने की हिदायत दी। ऐसा इसलिए कि अंग्रेजी हुकूमत में कैदियों को अक्सर नाई जैसी सुविधाएं मिलना मुश्किल था और उस्तरे जैसी चीजों को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता था, इसलिए इन्हें कैदियों से दूर रखा जाता था। फिल्म में यथार्थ लाने के लिए फिल्म के 75% हिस्से में कलाकारों ने दाढ़ी रखी थी। इस फिल्म में उन्हें इतनी ख्याति मिली कि इसके बाद प्रेम चोपड़ा पूर्णकालिक अभिनेता बन गए और टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ दी। तो ये थी सन 1965 में आई देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म शहीद पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।